आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि मेंटल हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक शॉक कैसे दिया जाता है। आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। शॉक थेरेपी मतलब किसी मानसिक रोगी को इलेक्ट्रिक करंट देना, इलेक्ट्रिक करंट। फिल्मों में देखा हमने कि गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक रोगी को मेंटल हॉस्पिटल में तेजी से कई मिनटों तक बिजली का झटका दिया जाता है। इसलिए कई लोगों को लगता है कि मेंटल हॉस्पिटल में मानसिक रोगियों का इलाज करंट देकर किया जाता है, जो इंसान को और पागल कर देता है। क्या ऐसा सच में होता है? क्या कोई इंसान बिजली का तेज झटका बर्दाश्त कर सकता है? अगर सच्चाई की बात की जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह सोच हमारे टीवी की देन है, जिसने मनोविज्ञान में होने वाले इस इलाज के बारे में एक गलत अवधारणा पैदा की है। शॉक थेरेपी क्या है, रोगी को कैसे दी जाती है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। शॉक थेरेपी एक प्रकार की मनोचिकित्सा है, जिसकी शुरुआत 1938 में हुई। इसे मनोविज्ञान में विद्युत आक्षेपी चिकित्सा कहा जाता है। इस उपचार में रोगी के मस्तिष्क मतलब ब्रेन में 1 से 1.5 सेकंड तक हल्की करंट की धारा दी जाती है, जिससे उसके दिमाग में रासायनिक परिवर्तन होता है। यह रासायनिक परिवर्तन रोगी को सही करने के लिए किया जाता है। गंभीर रूप से डिप्रेस्ड लोगों और आत्महत्या के बारे में बार बार विचार करने वाले लोगों के लिए शॉक थेरेपी लाभदायक मानी जाती है। अभी कैसे दी जाती है? शॉक थेरेपी में रोगी के मस्तिष्क के दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और इनके जरिए 60 से 130 वोल्ट का करंट करीब 1 से 2 सेकंड तक मरीज को दिया जाता है। इसके बाद मरीज अचेतन अवस्था में चला जाता है और कुछ समय तक या कुछ दिनों तक कॉन्फ्यूज रहता है। इससे मरीज की मेमोरी पर कुछ समय के लिए असर देखने को मिलता है। अवसाद से पीड़ित रोगी के लिए एक कारगर इलाज माना जाता है। आमतौर पर जब मरीज पर दवाइयों का असर नहीं होता, तब मनोचिकित्सक इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे देने से मरीज वायलेंट या पागल बिल्कुल नहीं होता। हालांकि अब शॉक थेरेपी का उपयोग बहुत कम किया जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।